बड़ी खबर में आप रुक करते हैं दिल्ली की खबर का। अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो सावधान रहें, अपने पर्स मोबाइल वगैरह को संभाल कर रखें। सीआईएसएफ के जारी आंकड़ों से पता चला है कि साल दर साल चोरी की वारदातें तो बढ़ ही रही हैं और इन्हें अंजाम देने वाले ज्यादातर चोर महिलाएं हैं। जैसे ही हम लोग एक मेट्रो आती है और बहुत सी भीड़ पीछे से पुश करती है, तो जैसे ही हम लोग उसमें एंटर किए, मेरा बैग था, मेरे पे एक लैपटॉप बैग, उसमें मेरा अपना पर्स था, उस पर्स में मेरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फ़ोन था, और उसके अलावा 3-4 हज़ार रुपये भी थे। तो उन्होंने वो उस चेन को खींचा और उसमें से पर्स निकाल लिया। विद इन 30 सेकेंड ये सब हो गया था। प्रियंका के साथ जो हुआ वो सैकड़ों के साथ होता है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना करीब 27 लाख यात्री सफर करते हैं। हर घंटे किसी की जेब कटती है, किसी का फोन गुम होता है तो किसी का बैग लापता हो जाता है। लेकिन मेट्रो की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ ने जब आंकड़े जारी किए तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। बीते 11 महीनों में दिल्ली मेट्रो में हुई चोरी की वारदातों में 293 महिलाएं शामिल थीं, जबकि पुरुष चोर सिर्फ 22 थे। 2013 में 421 महिला चोरों की पहचान हुई, जबकि एक साल पहले ये संख्या तकरीबन आधी यानी 229 थी। ये ग्रुप्स में चलते हैं, कई बार बच्चों के साथ लेडीज चलती देखी गई हैं, कई बार अलग अलग पोशाकों में भी इनका चलते देखा गया है, और ये अपने शिकार को आइडेंटिफाई करते हैं और असली करके उसके बाद में वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपराध को महिलाएं अंजाम देती हैं, लिहाजा उनसे निपटने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की जरूरत है। जबकि दिल्ली मेट्रो की 7 लाख महिला यात्रियों पर सिर्फ 900 महिलाएं तैनात हैं। मेट्रो में चोरी की वारदात आम बात है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो में महिला चोरों का बोल बाला है, क्योंकि आसानी से उन पर किसी को शक नहीं होता। जरूरत है महिला सुरक्षा बलों को बढ़ाने की और यात्री आगे से थोड़ा और सावधान रहे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम सिद्दीकी के साथ अदिति राजपूत, NDTV इंडिया।